नमस्कार, मैं डॉक्टर असलम खान, PhD इन वास्तुशास्त्र, तोड़फोड़ यूनिवर्सिटी। आज बहुत दिन बाद मैं YouTube पे अपनी दिल की बातें लोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप 3-4 महीने से काफ़ी व्यस्त था। सब रेमेडीज थी, कंसल्टिंग थी, बहुत दिन से होल्ड पे रखा हुआ था, तो रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ सोचता था आज वीडियो लोड करें, लेकिन काम की व्यवस्था की वजह से कोई नया वीडियो नहीं लोड कर पाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं जो भी ये 4 महीनों में मैंने सीखा वो आज आपको बताऊंगा। आजकल मैं ये YouTube पे देखता हूँ तो नीम हकीम खतरे जान, जिसको बोलते हैं ना, पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, जिनको साला वास्तु का कंपास भी नहीं पकड़ना आता और वास्तु का वा भी नहीं मालूम है कि वास्तु का वा क्या होता है, वो भी बड़ा बड़ा लेक्चर जो है YouTube पे देते हैं। कोई बोलता है कॉपर के हेलिक्स जिसपे मंत्र लिखा है सेप्टिक टैंक में डाल दो तो सेप्टिक टैंक खत्म हो जाएगा। अब बताइए, मंत्र लिखा है, हेलिक्स बनाने वाला मैं था, 2003 में मैंने हेलिक्स बनाया, और भी बहुत से प्रोडक्ट बनाए, चंद्र यंत्र बनाया, पदम प्लेट बनाया, जो भी वास्तु को डेवलप किया वो 2003 से मैंने डेवलप किया, रिसर्च करके। ये भी नहीं कि इनकी उनकी कॉपी देखा और बना डाला, ऐसा मेरे यहाँ कुछ होता नहीं है, सब मेरा रिसर्च है। लेकिन भाइयों ने क्या किया, एक बड़ौदा का भाई साहब है, वो रोज उल्टी सीधी बातें बकवास करते रहता है, हेलिक्स मंत्र वाली यहाँ लगाओ, हेलिक्स मंत्र वाली वहां लगाओ, प्लेट को यहाँ पे सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दो, गम मंत्र लिखा हुआ है उसको डाल दो, ये सब अनर्थ कर रहे हैं वास्तु को, ये जो है मिटाने पे लगे हुए हैं। इनको खुद को वास्तु का ज्ञान नहीं मालूम है, हेलिक्स कैसे लगाई जाती है आज तक इनको खुद को नहीं मालूम है कि एंटी क्लॉक वाइज कब लगाई जाती है और क्लॉक वाइज हेलिक्स कब लगाई जाती है। 99% वास्तु कंसल्टेंट जो बड़े बड़े महामहिम हैं, हेलिक्स का नाम लेते हैं लेकिन उनको हेलिक्स लगाने का तरीका नहीं मालूम है। मैंने जो हेलिक्स जब बनाई थी तो उसको दो रूप में बनाया था, कहीं कहीं हम क्लॉक वाइज लगाते हैं, कहीं कहीं एंटी क्लॉक वाइज लगाते हैं। इनको आज तक पता नहीं चल पाया कि क्लॉक वाइज कहाँ से पकड़े और एंटी क्लॉक वाइज कहाँ से पकड़े। फिर हमने हेलिक्स में कुछ और तब्दीली की। हमारा मास्टर अगर नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है, वायु में सो रहा है, तो हम क्या करते थे वहां पे, हम वहां पे जो राउंड हेलिक्स है वो एंटी क्लॉक वाइज लगाते थे और लीड की हेलिक्स भी हम वहां डालते थे, यानी एक साथ दो दो धातु वहां डालते हैं, लीड की हेलिक्स क्लॉक वाइज डालते थे, जिससे हमारे मास्टर को हवा ना मिले, हवा मिलेगी तो वो बाहर निकल के भागेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों ईमानदार नहीं रहेंगे, दारू पिएगा, अय्यासी करेगा, दूसरी माँ बहनों को देखेगा, नॉर्थ वेस्ट में सोने वाले 100%। तो हमने उनके लिए भी एक तोड़ निकाला कि हमने क्या किया, जो हम राउंड हेलिक्स लगाते हैं ब्रोंज की, ब्रास की नहीं, ब्रोंज की, उसको हमने वहां एंटी क्लॉक वाइज किया और फिर उसके बदले में लीड की हेलिक्स भी वहां लगाना शुरू किया। अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन ये बड़ौदा वाला एक है कोई, वो रोज हेलिक्स के बारे में, कल परसों तो हनुमान जी का फोटो लगाओ तो ये दुख दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा, उसको मैं यही बोलने वाला हूँ कि हनुमान जी का फोटो अस्पताल के बाहर लगा दो ना तो मरीज का आना ही खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल पे सब ताले लग जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ वास्तुशास्त्री साइंस सभी धर्मों पे आधारित है। ना जाने मैंने अपनी जिंदगी में कितनी मंदिर, कितने मठ,
कितने आश्रम का वास्तु किया हूं, ना जाने बड़े बड़े आश्रम का, बाबा किनाराम आश्रम अघोरपीठ, 2017 से मैं वहां जुड़ा हुआ हूं। उनके जितने स्कूल हॉस्पिटल आश्रम जो कि 400 साल से किसी ने छेड़ा नहीं था कंस्ट्रक्शन को, आज जाके देखो बनारस में 7 मंजिला मैंने जो है कांच का कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया, जो कि पूरी दुनिया वहां आती है अपना दुखड़ा लेके, लेकिन वहां भी साइंस की जरूरत है। कोई भी मुल्ला पंडित जब मरता है तो हॉस्पिटल में ही वो आखिरी सांस लेता है, उस टाइम पे ना मौलाना की नमाज और कलमा याद काम करता है और ना पंडित जी का मंत्र काम करता है, साइंस के हवाले वो अपनी बॉडी को कर देते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए हमारी बॉडी जो है वो क्लाइंट का घर होता है। हमको ये देखना है कि साउथ ईस्ट कटा हुआ है क्या होने वाला है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है इस घर में क्या होने वाला है, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है इस घर में क्या होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट कट है इस घर में क्या होने वाला है, ब्रह्मस्थान पे सेप्टिक टैंक है इस घर में क्या होने वाला है, ब्रह्मस्थान पे स्टेयर केस है इस घर में क्या होने वाला है, ब्रह्मस्थान पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है इस घर में क्या होने वाला है, ब्रह्मस्थान में किचन है इस घर में क्या होने वाला है, किसी भी वास्तु वाले को मालूम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं उनको, मेरे क्लास में आना चाहिए और मेरे से वार्तालाप करनी चाहिए, नहीं तो जो हिसाब से ये बदमाश लोग जो है गंदगी फैला रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में वास्तु शास्त्र का नाम खराब कर देंगे। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है बहुत ही लुटा पिटा आता है, बहुत मजबूर रहता है, फिर वो वास्तु कंसल्टेंट्स के पास जाता है और अगर हमने उनको लूट लिया तो हमारे में और शैतानों में कोई फर्क नहीं है। मुहूर्त क्या मुहूर्त, मेडिसिन खाते हो मुहूर्त देख के खाते हो, खाना खाते हो मुहूर्त देख के खाना खाते हो, कहीं कंसल्टिंग करने जाते हो मुहूर्त देख के कंसल्टिंग करने जाते हो, हैं तब तो बस झोला उठाए और भागे कि चलो साला आज इतना कमा के लाएंगे, लेकिन जब रेमेडीज की बात आती है तो वहां पे तुम क्लाइंट को कंसल्ट क्या बोल रहा था मैं, मुहूर्त मुहूर्त में फंसा देते हैं कि भाई अभी 15 दिन बाद अच्छा मुहूर्त है, अच्छा नक्षत्र आने वाला है तो उस टाइम पे हम रेमेडीज करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। मैंने कई बच्चों को देखा मरते हुए, साउथ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, ये पंडित जी या जो पोंगा पंडित हैं या जो ऐसे ही बदमाश वास्तु वाले हैं जिनको कंपास पकड़ने का ढंग नहीं मालूम है, वो मुहूर्त के चक्कर में पता चला बेटा स्कूल गया और रास्ते में ही एक्सीडेंट हुआ, उसकी बॉडी आई घर पे, उसका जिम्मेदार कौन, वास्तु कंसल्टेंट्स। फिर दूसरा वास्तु वाला एक सूरत में है, वो बोलता है जिसके भी घर पे जाओ वास्तु करने उसका कर्म ठीक कर दो तो उसके वास्तु ठीक हो जाएंगे। अबे एक घर में 10 लोग हैं तो किसके कर्म को सही करेगा, साउथ ईस्ट कटा है नॉर्थ वेस्ट कटा है, कर्म से क्या मतलब है, कर्म सही करेगा तो उसका वो बढ़ जाएगा जो कटा हुआ हिस्सा है। ऐसे बदमाशों का क्लास आप लोग मत करिए और पकड़ के मारिए उनको, ऐसे लोगों को पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए जो धर्म के नाम पे वास्तु सिखा रहे हैं। वास्तु शास्त्र एक साइंस है जो सभी धर्मों पे आधारित है। अभी मैं गोवा गया था, गोवा में कट्टर जो हैं कैथोलिक लोग थे क्रिश्चियन थे, उनके पूरे बंगले का वास्तु किया। वो लोग बोले सर पूरे बंगलों को जो है उन्होंने पर्दे से घिरवा दिया, और मैं बोला ये पर्दे क्यों लगाए हुए हो, उन्होंने कहा सर
अगर बाजू वाले को मालूम हो गया कि हम वास्तु करवा रहे हैं तो सीधे चर्च में हमारी कंप्लेन चली जाएगी और हमको वहां बुला के डांटा जाएगा। लेकिन आपका वीडियो देख के और कुछ भी करना पड़े, आप बोलोगे पूरा घर तोड़ दे तो पूरा घर हम तोड़ने के लिए तैयार है। तो इतनी अच्छी बात हमको लगी कि मैं वहां पे 3 बार गया, 2 बार विजिट करने गया और फिर 3री बार 2 दिन रुक के रेमेडीज किया अपनी टीम के साथ। आज अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करो ना कि तुमने किसके यहाँ किया और क्या रिजल्ट मिला, उसका नाम बताओ ना या कुछ फोटो ऐसी भेजो। ऐसा नहीं हनुमान जी का फोटो लेके पोस्टर लेके दुनिया भर की बकवास कर रहे हो, हीलिक्स लेके सेप्टिक टैंक के चारों तरफ डाल रहे हो, मंत्र लिखा हुआ है, ये क्या बदमाशी है? तुम्हारे बाप ने हीलिक्स बनाई थी? तुमको हीलिक्स पकड़ने का तरीका मालूम है? 99% ऐसे हैं जिनको हीलिक्स लगाना नहीं आता, सिर्फ उनको हीलिक्स लेना है मार्केट से, कहीं से भी डुप्लीकेट लिया और क्लाइंट की जो कुछ बची कुची सांस थी वो भी खत्म कर देते हैं। ये देखिए एक प्लान है, मेरी एक क्लाइंट है जलंधर की और मेरी बेटी भी है, तो मेरे ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं भले कितने भी आगे हो जाएं, लेकिन जब भी कोई वास्तु करते हैं तो एक बार प्लान लेके मेरे साथ डिस्कस करने जरूर आते हैं। तो वो मेरी बेटी ने, ये पेट्रोल पंप था इसका प्लान उसने भेजा और मैंने ये रेमेडीज बना के उसको भेजा। मैं ऐसा ही रेमेडीज बना के अपने स्टूडेंट को वापस भेज देता हूं, कहां कहां क्या डालना है। ये नहीं कि एक बार वास्तु सिखा दिया तो उससे कनेक्शन खत्म, अरे जिंदगी भर मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। ऐसा मैं बना के भेजता हूं अपने स्टूडेंट को कि कहां कहां क्या डालना है, कितनी क्वांटिटी डालना है। इसको भी मैंने भेजा, और मैं बाहर चला गया। कल मैं बाहर से आया, आउट ऑफ बॉम्बे से, और मैंने आफरीन से पूछा कि मैंने जो ये प्लान पेट्रोल पंप का बनाया था और सामने वाले को बोला था कि तुरंत कर डालना, तुरंत का तुरंत करना वेरी डेंजरस, तो क्या हुआ इसका? मालूम गया, उन्होंने कहा सर दूसरे दिन खबर आई कि इस मालिक ने सुसाइड कर लिया, ये पेट्रोल पंप का मालिक सुसाइड कर लिया, ये देख लो क्यों सुसाइड किया, देखो ये प्लान देखो उसके, ये पेट्रोल पंप का ये प्लान था, क्यों सुसाइड किया मालिक ने? दूसरे दिन ही किया, जिस दिन प्लान मैंने यहां से डिस्कस किया और सामने वाले को बोला कि जल्दी रेमेडीज करना, पैसा ना भी दे तो अपनी तरफ से लगाना क्योंकि मालिक को खतरा है यहां पे, लेकिन उन्होंने हल्के में लिया और दूसरे दिन मालिक ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया? ये प्लान आपके सामने है, किसी भी वास्तु वाले से आप इस प्लान के बारे में पूछोगे, डिस्कस करोगे, तो उसका बाप भी नहीं बता पाएगा। क्या बताएगा? हनुमान जी की फोटो यहां रखो, ये मुहूर्त पे करो, एस्ट्रो वास्तु करवाओ, वो डींग डांग लेके चलते हैं स्कैनर, वो सब में फंसा के मार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलता कि ये करो नहीं तो मर जाएगा। गोवा का वास्तु करने गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, जाते ही मैं बोला बेटी दादागिरी करती है, बोले हाँ करती है, बेटे सुस्त रहते हैं, बोले हाँ बिल्कुल रहते हैं, जितने लोग हैं सब पेट की बीमारी से पूरा घर परेशान है, बोले बिल्कुल परेशान है, तो सर इलाज कर दीजिए। इलाज किया, जिस दिन आ रहा था उस दिन वो भवन मालिक जो था उसने बोला सर आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉब्लम है
और क्यों है? मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आज मैं तेरे को वास्तु सिखाता हूं। मैंने एक पेज लिया, एक पेन लिया और लाइनिंग हीज दिया। मुश्किल से 5 सेकंड में मैंने उसके घर की बीमारी बता दिया। 5 सेकंड में, जो कि 4-5 वास्तु वाले आके जा चुके थे, असली बीमारी किसी ने पकड़ा ही नहीं था। और मैंने उस भवन मालिक को 5 सेकंड के अंदर में उसके घर में ऐसा पेन से जो है लाइनिंग हिचा और बताया, देख ये बढ़ा तो ये कटा, और ये कटा तो ये बढ़ा, और ये कटा तो ये प्रॉब्लम, ये बढ़ा तो ये प्रॉब्लम। वो बिल्कुल सर पे हाथ रख लिया, बोले आज तक किसी ने जो है इतने नीचे की गहराई तक कोई नहीं लेके गया। 4 वास्तु वालों को मैंने बुलाया। दिल्ली वाले क्या है, घोड़ा गधा उल्लू गुल्लू कहीं भी रख के भाग आते हैं। ये आफरीन कॉपर की पट्टी किधर गई? रोल लाओ तो जरा। चलो ठीक है, कॉपर की पट्टी पतली वाली लेके कहीं इधर मार दिए, बोले कट हो गया। प्लास्टिक का टेप लिए लगा दिए, बोले कट हो गया। किचन पे लाल हरा नीला पीला। घर में मैं फिर बोलता हूं, ग्रीन रेड ब्लैक 3 कलर कभी भी इस्तेमाल नहीं करने का। और वास्तु वाले वाले जो दिल्ली के वास्तु वाले हैं, केपी वाले हैं, खुशदीप बंसल बदमाश, सबसे बड़ा बदमाश खुशदीप बंसल है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आज वास्तु को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान उसका है। टेप लगाओ, 44 देवता बना दिया। अरे एक घर में अगर हम 44 देवता ढूंढेंगे, देवता की क्या जरूरत है? देवता तो इंडिया में ही ढूंढ सकते हैं ना। जर्मनी या रसिया या दुबई मलेशिया गया, वहां देवता कहां मिलने वाले हैं? एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वर्ल्ड, क्या क्या नाम रखा है। अरे एक घर में साला 15 आदमी है तो किसकी कुंडली मिला के उस घर का वास्तु करेगा? चल मेरी कुंडली मिलाया, मैं घर का बड़ा हूं, मैं टपक गया तो फिर वो रेमेडीज खोलेगा। आज बड़ौदा में टोपला महाराज है, प्लास्टिक का टोपला बनाता है, पिरामिड का नाम मैंने टोपला रखा है, और वो बड़ौदा में ही बन के आती है। हर महीने आप देखोगे उसका डिजाइन चेंज होती है, हर महीने। और उनके सीखे हुए जो वास्तु वाले हैं, वो भी हर महीने क्लाइंट को फोन करते, सर इस बार कुछ नया लेके आ रहा हूं आपके पास, माल बहुत टकाटक माल रहेगा। तो क्या उसको तोड़ोगे इससे पहले जो किए हो? 2003 में मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था, आज तक वही प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं। मैंने औरा पाउडर बनाया लॉकडाउन में। ये भाई साहब कुछ गुजरात के बदमाश लोग थे, जिन्होंने नमक और हल्दी डाल के इसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया। 51 वनस्पति इसके अंदर पड़ी हुई है, कभी भी आप इसको लैब में चेक कराओ, या जब मैं बनाता हूं तो आके बैठो, देखो कितनी जड़ी बूटी इसके अंदर डालता हूं, तब जाके ये काम करता है और तुरंत रिजल्ट देता है। इसको बेस बनाओ, जहां भी आप वास्तु करने जाओ, जहां भी कट मारो, तो कम से कम 20-25-30 किलो तो इसको जमीनों में डाल दो। उसके बाद हीलिक्स डालो, पट्टी डालो, क्रिस्टल डालो, वनस्पति डालो, जो भी डालना है डालो, लेकिन जैसे सामने वाला कट करता है पॉइंट को, तो सबसे पहले आपको औरा पाउडर डालना है और ओरिजिनल डालना है, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट डालोगे तो और डुप्लीकेट हो जाएगा वो घर।
साले तुम वहां पे हेलमेट पहन के गुजरोगे कि कहीं पकड़ के पैसा ना मांग ले। और असलम भाई का रहेगा 50 साल बाद भी तुम आओ तुम्हारा पैसा यहाँ रखा हुआ है, मैंने जो है बहुत मेहनत से ये बनाया। इस बार मेरा क्लास है 7, 8, 9 जून 3 दिन का क्लासेस है, तो इस औरा पाउडर में भी मैंने बहुत कुछ ऐड किया है। फिर अभी तुलसी, नीम की पत्ती और भी बहुत सी वनस्पति है जिसपे मेरा रिसर्च पूरा हो चुका है, तो इस क्लास में मैं सबको बताऊंगा। दूसरी चीज, मैंने अभी जो है एनर्जी रिंग बनाया है, कॉपर के वायर की एनर्जी रिंग बनाया है, जो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना है, तो वो भी रिसर्च मेरा कंप्लीट है। और वो 1996 से मैं किसी को बना के देता था तो वो अपना नाम करता था, बनाने वाला मैं, लगाने वाला वो, और मैं चूतिए की तरह बना बना के देता था। तो इस बार मैं भी अपने सभी स्टूडेंट को वो रिंग के बारे में बताऊंगा और उसको हर घर में इस्तेमाल करो। लेकिन कंप्रोमाइज मत करो मेरे दोस्त। देखो कंप्रोमाइज करने पे ये पेट्रोल का स्वामी जो है दूसरे दिन सुसाइड कर लिया। दूसरे दिन सुसाइड क्यों किया देख लो आप। देखो 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 क्या है, ये नोजल था, ये पेट्रोल जो जमीन में भरते हैं वहां से सब नोजल में आता है, नॉर्थ में था, फायर हो गया। नॉर्थ ईस्ट में जो है सेप्टिक टैंक और टॉयलेट ईस्ट में बैठ के काम कर रहा है, और पूरा साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट पूरा खाली है, वेस्ट को पूरा ग्रीन एरिया कर दिया है, अभी क्या बताएं। तो ये मैंने रेमेडीज लिख के भेजा था अपने स्टूडेंट को, मेरी बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, लंदन तक वो जाती है वास्तु कर रहे, और यहाँ से लंदन तक मैं मटेरियल उसको भेजता हूँ, मेरी बेटी जैसी है। लेकिन दूसरे दिन ही उसका फोन आया, सर उसने सुसाइड कर लिया। तो वास्तुशास्त्र साइंस है, किसी को छोड़ता नहीं है। मुल्ला भी जब बीमार होता है तो ना कोई तवीज काम आती ना कोई कलमा, सीधे डॉक्टर के पास जाता है, पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाता है, साइंस की तरफ भागता है। मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक पीर साहब थे अहमदाबाद के, बम्बई आते थे तो मेरे घर पे रुकते थे, मैं बहुत उनकी आओ भगत करता था। एक दिन वो मेरे को बोले, असलम भाई, मैं बोला हाँ सर, पीर साहब बोलिए। तो बोले आपको मेरे घर आना है। मैं बोला क्यों? अरे बोले तुम्हारी भाभी में और मेरे में जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। बस उसी दिन मैं बोला साला ये आदमी की मैं इतनी इज्जत कर रहा हूँ और ये पीर साहब दुनिया का दुख दर्द दूर करने आता है और खुद के घर में बहन चोद जंग छिड़ी है, वो मर गया मैं उसकी मिट्टी में नहीं गया, और तुरंत अपने घर से निकाला। तो मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मुस्लिम हूँ, कट्टर मुस्लिम हूँ, लेकिन सभी धर्मों का आदर करता हूँ और कहीं भी धर्म को अप्लाई नहीं करता। एक कसाई बन के मैं काम करता हूँ, जो बोला तोड़ेंगे नहीं, भले घर में भूखा आके सो जाऊंगा, मैं वास्तु नहीं करता। सामने जो भी मेरा क्लाइंट आता है पहले मैं बोलता हूँ तोड़ फोड़ करोगे, वो बोला बिल्कुल करेंगे, मैं बहुत खुशी से जाता हूँ और दिल लगा के रेमेडीज बताता हूँ और दिल लगा के उस एरिया को चेक करता हूँ कि ये तोड़ेगा। मेरे पास एक केस आया प्रांजपे बिल्डर का, बहुत बड़ा बिल्डर है बांद्रा ईस्ट में, बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट था, 8 साल से रुका हुआ था, 8 साल से।
प्रांज पे बिल्डर बोले तो बहुत बड़ा बिल्डर, लेकिन उसका प्रोजेक्ट 8 साल से रुका था। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मुल्ला सब साले आए वहां पे, अपना अपना करके लूटपाट करके निकल गए। आखिरी में किसी ने बताया कि एक अघोरी रहता है बांद्रा में, जहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसी के बगल में एक अघोरी रहता है, और उस अघोरी का नाम है डॉक्टर असलम खान, उससे मिलो। तो पूरी सोसाइटी के लोग मेरे पास आए कि सर हम लोग 8 साल से अपनी जमीन दे के बैठे हैं और इधर उधर भाड़े पर रह रहे हैं, बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, जो फीस होगी हम आपको पर्सनल अपनी जेब से देंगे, लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट पे चलना है। मैं गया, जाके देखा, मैंने कहा 100% ये काम स्टार्ट होगा, इतना पैसा लगेगा। बोले जितना चाहिए उतना ले लेना। मैं बोला बस ठीक है, मार्किंग दे दिया कि यहाँ यहाँ कटिंग करना, लेकिन आज शाम को मैं एक औरा पाउडर 150 किलो भेजूंगा, ये कोई ऐसी एरिया बाकी ना रहे जहाँ पे ये नहीं फेंकवाना। तो बोले ठीक है, मेरे आदमी, उनके बिल्डर के भी आदमी सब ये 150 किलो औरा पाउडर को पूरे एरिया को छिड़क दिया। जब छिड़क दिया तो वहां पे रौनक आ गई। दूसरे दिन फिर वो लोग आए पैसा लेके, पैसा दिए, बोले अब आपको करना है। मैं बोला आज नहीं करेंगे, आज चलो मार्किंग देते हैं, और जाके मार्किंग दिया। जब वो सब पूरा कट तोड़ फोड़ दिए जेसीबी लगा के, फिर 100 किलो औरा पाउडर भेजा, और जहां जहां खड्डा मारा था मैंने सब जगह डाल दो। और डालने के बाद उसी दिन हमने रेमेडीज की। 2 महीना हुआ है, आज 11वां मंजिला चढ़ रहा है। 2 महीना हुआ है वास्तु करके, वास्तु किया, दूसरे दिन से काम स्टार्ट, और ऐसा स्टार्ट कि आज 11वां मंजिला चढ़ रहा है, 22 मंजिले की बिल्डिंग बनेगी प्रांजपे बिल्डर की। तो ऐसा सब हम काम करते हैं यार, ऐसा हम काम करते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो देखते जरूर हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, गाली देते हो, तो गाली देके ही सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे आप लोगों को नया वीडियो मिलता रहे और दिल की बातें मैं करता रहूं। 7, 8, 9 जून मेरा पूना में क्लासेस है, फीस मैंने सिर्फ 15,000 रखी है, ज्यादा नहीं, लूटता नहीं मैं कभी क्लास के पैसे को मैं घर में नहीं लाता, सब आप ही लोगों के ऊपर खर्चा कर देता हूँ। अच्छा होटल बुक कराता हूँ, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तो 15,000 फीस है। लेकिन ये क्लास हर क्लास से हटके रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ एनर्जी रिंग बनाई है, वो कैसे लगाना है, एक दिशा में हम 2 हीलिक्स कैसे यूज कर सकते हैं, ये तुलसी हमको कहाँ डालना है, नीम हमको कहाँ डालना है, क्यों डालना है, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। और अब पाउडर का भी मैंने कलर चेंज कर दिया इसके अंदर, और वनस्पति मिला के, क्योंकि साले बदमाश ले जाते थे गुजरात में, तो उसके अंदर नमक और हल्दी डाल के बोलते थे बस असलम भाई का माल है यूज करो। तो कभी भी सील लगा हो वही माल यूज करना, फ्यूचर में अगर कुछ नुकसान हो तो उससे 50 गुना ज्यादा मेरे से लेना। 51 जड़ी बूटी डाल के इसको मैंने बनाया है, इसलिए मैंने अपना फोटो डाला है। और ये मेरा पोता है, यानी मुझको डर नहीं है, आने वाले समय में मैं अपने पूरे परिवार को तो लगाया ही हूँ वास्तु में। अभी जो मेरे पोती पोता नाती जो बड़े हो रहे हैं उनको भी इसी लाइन में मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझको डर नहीं है कि मुझको हेलमेट पहन के चलना है। लेकिन ये बदमाश जो हनुमान जी का पोस्टर लगाओ या मंत्र लिखी हुई हीलिक्स यहाँ डालो, सेप्टिक टैंक में डालो, यहाँ डालो, वहां डालो, ऐसे बदमाशों का क्लास करना नहीं। दूसरे बदमाश सूरत में है, जिनको कुछ काखा गागा मालूम नहीं,
वो बोलते हैं उसका कर्म ठीक कर दो उसका वास्तु ठीक हो जाएगा। ऐसे बदमाशों के क्लास में जाओ मत, तुमको भटका देंगे। जो तुमने अच्छा ज्ञान सीखा है वो भी तुम सीढ़ी से उतर जाओगे। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, कंप्रोमाइज मत करो और मुहूर्त मत देखो। जब मरीज आवे तभी उसको गोली खिला दो। धन्यवाद, नमस्ते, ऑल द बेस्ट। थोड़ा